देखो भाई, प्यार करो एक से पर यूनिक से, और दोस्ती करो एक से पर यूनिक से। ऐसा नहीं है कि मेरे हजारों दोस्त हैं, लाखों दोस्त हैं, जरूरत पड़ने पे मादरचोद एक फ़ोन ना उठाए, कॉल ना करे, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि साला रात को बुलाए तो बैंचो रात को आ जाए, और हाँ वो भी बुलाए तो तुम्हें को भी जाना पड़े हर हाल में, कोई भी कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो बैंचो, हाँ सारा काम छोड़ के उसके पास जाना चाहिए। इसीलिए एक दोस्त ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर हो या गर्लफ्रेंड हो या दोस्त हो, बनाओ एक पर यूनिक बनाओ, मतलब उसके लिए बैंचो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दोस्त हूँ, तुझे जान दे दूंगा ये, और तुम बैंक मुसीबत में फंस गया लौड़ा दिखा दिया, मतलब कुछ नहीं। इसीलिए दोस्ती करो सबसे, पर रखो जो सबसे बेस्ट हो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरे दोस्ती के लायक है, ये मुझे मतलब कभी भी निराश नहीं करेगा। वैसे मेरे कहने के लिए मेरे बैंक करोड़ों दोस्त हैं, लाखों दोस्त हैं, पर हाँ साला उसमें से कुछ ही हैं जो काम आते हैं इमरजेंसी में, बाकी नहीं तो बहुत हैं कहने के लिए। इसीलिए दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, रखो एक पर अच्छा रखो। ज़्यादा चिल्ला चाल करे तो फिर मादरचोद हटा दो साला, ये नहीं कि मादरचोद वो गई तो उसके चक्कर में रम बिस्की ले ले, बीआर बार में जाए मादरचोद और उसके चक्कर में पिए खाए मुर्गा ये लौड़ा देसु, कुछ भी नहीं। अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जियोगे ना तो मादरचोद अच्छे अच्छे तुम्हारे कदर करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी बहुत कुछ कर सकता है पढ़ाई से नहीं, अपने टैलेंट के दम पर। अब मेरा देखो साला, मैं तो बच्चों इतना पढ़ाई किया हूँ लेकिन नॉलेज भी है, स्किल भी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साला सही टाइम पर सही तरीके से सही जगह पर मैं पहुँच नहीं पाया, हमेशा बस बकचोदी में रह गया। इसीलिए मैं आप लोगों को एक मतलब सलाह देना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ भी करें टाइम से पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं यार भाई, माँ बाप दोस्त ये तो कह रहे हैं ना कि कह देते हैं कुछ लोग हाँ साथ नहीं, हाँ ये साथ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि भाई ये माँ हैं बाप हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया है, ये सब नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में। और बाकियों का क्या है यार, बाकी तो रिश्तेदार हैं ये सब, मतलब कभी भी जहाँ उनको अच्छा लगता है रखेंगे, नहीं तो बुरा लगेगा तो कहेंगे बैंक इसका साथ छोड़ दो, ये नहीं है, ये अब हम लोग के साथ नहीं रह सकता। इसलिए लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करो ना बेटा कि अच्छे अच्छे लोग सलाम करें, ठीक है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, सब की जगह। एक मेरा पढ़ने भी मन था, मैं मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए एम बनाओ एक और उसके दिन रात लगे रहो, और बाकी कोई क्या कहता है, क्या सुनता है, कहाँ घूमता है, उससे कोई मतलब नहीं। अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना सीखो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।